सेवेंथ ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 ग्रासलैंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रासलैंड्स। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ दिया नहीं है बुक में, जस्ट एक इंट्रोडक्शन सी है। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। देखिए ग्रासलैंड्स तो आपको पता है जहाँ पे घास वगैरह होगी, ठीक है, थोड़ी कम घास की। आपको पता है कितनी हाइट होती है, पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, घास कितनी कम हाइट की होती है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें ग्रासलैंड्स कहते हैं। ट्रॉपिकल मतलब नियर दी ट्रॉपिक। सो दीज अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। ये होते हैं इक्वेटर के दोनों साइड पे और ट्रॉपिक्स तक होते हैं, ठीक है। ये वेजिटेशन जो है ये ग्रो करती है उन एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेटर टू लो होता है, मतलब मीडियम से कम तक होगा, बहुत नहीं होगा या मीडियम होगा या कम होगा, वहाँ पे ये होती है। यहाँ पे ग्रास जो है वो काफ़ी लंबी होती है, वेरी टॉल होती है, 3 से 4 मीटर्स इन हाइट, ठीक है। जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए नाम कि सवाना ग्रासलैंड्स कहाँ पे हैं, अफ्रीका में है, ठीक है। तो वो किस तरह के हैं, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। जो एलिफेंट्स हैं, जेब्राज हैं, जिराफ हैं, डियर है, लेपर्ड्स हैं, ये सब जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स में होते हैं और इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में होते हैं। कोई भी कॉन्टिनेंट का जो मिडिल वाला पार्ट है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली ग्रास क्या होती है, शॉर्ट होती है। किस में, टेम्परेट में। टेम्परेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी कि टेम्परेट का मतलब क्या होता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्मी में ना बहुत ज़्यादा ठंड में, मिडल टेम्परेचर में ही होते हैं। ग्रास थोड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है, न्यूट्रिशियस होती है। न्यूट्रिशंस मतलब क्या, हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने वाली होती है। वाइल्ड बफेलोस, बीसंस, एंटीलोप्स, ये सब जो है इस टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है थॉर्नी बुशेस। बुशेस क्या होती है, झाड़ियाँ, राइट। थॉर्नी क्या होती है, कांटेदार, कांटों वाली, ठीक है। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स। अब थॉर्नी ब्रशेज है, कांटेदार जो है, कैक्टस वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। डेजर्ट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली ड्राई होते हैं, ड्राई रीजन जो होते हैं, डेजर्ट रीजन वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं जो वेस्टर्न मार्जिन होता है कॉन्टिनेंट्स का, वहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है स्केयर्स होती है। मतलब आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे बारिश नहीं होती, रेत ही रेत होती है, वहाँ पे क्या ही वेजिटेशन होगी, तो कम ही होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कम रेन होती है और स्कॉर्चिंग हीट, बहुत ज़्यादा हीट होती है, स्कैंटी रेन होती है, ठीक है। तो अब इनको, इन्होंने आपको एक एक्टिविटी सी दी है कि आपको वर्ड मैप लेना है, उसमें डेजर्ट रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है, कि आप इनका नाम बता सकते हो, इंडिया में कौन सा डेजर्ट है उसका नाम आप खुद देखेंगे। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ अ डेजर्ट विच यू हैव लर्न्ड अर्लियर। तो आपने एक तो मैं आपको बताती हूँ, ऊंट कैमल के बारे में हमने सुना है ना, तो बाकी आपको खुद सर्च करने है। क्या ऊंट करता क्या है, खूब सारा पानी एक बार पी लेता है, फिर जब उसे प्यास लगती है वो उसे यूज़ करता रहता है, खा भी ऐसे लेता है ना। तो ये तो हो गया कि जी, हमने थोड़ा बहुत थॉर्नी ब्रशेस का आइडिया ले लिया कि डेजर्ट्स में होती हैं, वेजिटेशन कवर कम होता है, बारिश, क्योंकि बारिश कम होती है इसलिए वहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट्स या जो वेजिटेशन आप कह लें वो कम होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, ठीक है, वो भी इन्होंने कहा है कि इंडियन डेजर्ट का आप नाम बताएं, तो वो है। फिर इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, ओके, जब आप पोल तक पहुंच जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड मिलती है, ठीक है। तो अब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो यहाँ भी कम होती है, ठीक है, मॉसेस, लीचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। सिर्फ यही चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं, ये ग्रो करती हैं ड्यूरिंग द वेरी हॉट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। हमने इससे पीछे वाले में पढ़ा था टैगा, टैगा का मतलब होता है प्योर एंड अनटच्ड, अब हम पढ़ रहे हैं टुंड्रा, तो आपको ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेजिटेशन जो है उसे कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। किस तरह की, जो पोल्स में होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में होती है, बट ग्रो करती है ओनली शॉर्ट समर में, जो थोड़ी सी गर्मियाँ वहाँ पे आती है उनमें क्या क्या आता है, मॉसेस, लीचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स, इसे कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इस तरह की वेजिटेशन कहाँ होती है, जो पोलर एरियाज हैं यूरोप के, एशिया के, नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ पे, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, फर होती है, उनकी मोटी स्किन होती है, सो दैट वो खुद को बहुत कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके, कहते हैं ना मोटी चमड़ी है इसको तो ठंडी नहीं लगती, ठीक है। तो उसी तरह से सील है, वेलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ओल, ये सब जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे फिर से एक स्टोरी चलती है एंड यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, जो आपको पता ही है, हम पिछले जो वीडियो है वहीं से नहीं पढ़ रहे स्टोरी के बारे में। सो ये तो हमने पढ़ लिया, जस्ट एक ओवरव्यू है, इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेन चीज़ें नहीं है क्योंकि क्लास सेवन की ज्योग्राफी है उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट ये चीज़ें जो हैं ये आपको नहीं मिलेंगी, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रासलैंड्स जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन से हैं, ईस्ट अफ्रीका, सवाना ब्राज़ील, कैंपोस वेनेजुएला, लिनानोस। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अर्जेंटीना पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, साउथ अफ्रीका वेल्ड,
सेंट्रल एशिया स्टीप एंड ऑस्ट्रेलिया डाउन. सो ये आपको याद करने करने हैं, चाहे आप सेवन क्लास में हैं या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसे इस तरह से याद कीजिएगा कि भूले ना. मैं आपको ध्यान में रखकर कीजिएगा, रट्टा मारेंगे तो भूल ही जाएंगे. एंड ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैंने इसके समरी नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्रू समरी नोट्स. सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून.